हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सेंट्रिओल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोफेज, सेकंड ऑप्शन इज मेटाफेज, थर्ड ऑप्शन इज जी2 फेज, फोर्थ ऑप्शन इज एस फेज। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में मेनली दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरफेज, एंड सेकेंड इज द एम फेज और द माइटोटिक फेज। इंटरफेज में तीन और फेजेस आते हैं। पहला आता है G1 फेज और द ग्रोथ 1 फेज। ग्रोथ फेज में, इस वाले ग्रोथ फेज में, इट इज बेसिकली द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। बेसिकली माइटोटिक फेज के बाद और एस फेज से पहले ये वाला फेज आता है। सो इस वाले को इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पे सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट ग्रोस एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड डीएनए रेप्लिकेशन अभी तक इसमें इनिशिएट नहीं होता। सेकेंड फेज जो होता है दैट इज द एस फेज। एस फेज इज बेसिकली द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। एंड थर्ड इज द G2 फेज। G2 फेज इज ऑल्सो द ग्रोथ 2 फेज एंड इसमें देयर इज द प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस, क्योंकि इसके बाद ही माइटोसिस होता है। प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस एंड यहाँ पे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड विच आर रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। माइटोसिस में भी फर्दर दो फेजेस आते हैं। फर्स्ट फेज इज द कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट इज प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कि सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। तो सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग नॉट प्रोफेज, ये माइटोटिक फेज का पार्ट है। नॉट मेटाफेज, ये भी माइटोटिक फेज का पार्ट है। G2 फेज में भी ये नहीं होता। सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के साथ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।